नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हिना। खबर है नेशनल हाईवे NH-39 को लेकर। रीवा सीधी के मध्य मोहिनिया पहाड़ की घाटी में ट्विन ट्यूब टनल का कार्य पूरा हो चुका है। जल्द इसके लोकार्पण की तैयारी की जा रही है। 6 लाइन की इस टनल के लिए सुरक्षा मानक तैयार किए जा रहे हैं। जल्द इसकी गाइडलाइन जारी की जा सकती है। बताया जा रहा है कि टनल के भीतर से ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री का यदि परिवहन किया जाएगा तो निगरानी में रहेगा। जरूरत के हिसाब से टनल के भीतर उक्त वाहनों से दूसरे वाहनों की दूरी भी बढ़ाई जा सकेगी। इस टनल के लोकार्पण की तैयारियां की जा रही हैं। कुछ दिन पहले ही विशेषज्ञों की एक टीम ने इसका निरीक्षण किया है और उसी समय यह सब बात सामने आई कि ज्वलनशील और विस्फोटक सामग्री लेकर जाने वाले वाहनों को प्रवेश देने से पहले गाइडलाइन के अनुसार उसकी निगरानी की जाएगी। हालांकि यह भी बात कही जा रही है कि अभी मोहिनिया घाटी से होकर जो रास्ता सीधी को जाता है वह बंद नहीं किया जाएगा और उसे ही विकल्प के रूप में उपयोग किया जाएगा, जिससे डीजल पेट्रोल के टैंकर, गैस सिलेंडर वाले ट्रक और विस्फोटक सामग्री वाले वाहनों को पुराने रास्ते से भी भेजने की तैयारी है। इस पर विभाग की ओर से कुछ आधिकारिक रूप से नहीं कहा जा रहा है, क्योंकि टनल से होकर यात्रा करने की गाइडलाइन केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित की जा रही है। पूरे मामले को लेकर प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHI सुमेश वांजल का कहना है कि टनल से कोई वाहन गुजरने में प्रतिबंध जैसी बात नहीं है, लेकिन सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कुछ विशेष वाहनों को निगरानी में भेजा जाएगा। इसको लेकर गाइडलाइन भी जारी की जा सकेगी। आपको बता दें कि 1,000 करोड़ रुपए की लागत से टनल का निर्माण कराया गया है, जिसे NHI द्वारा रीवा सीधी मार्ग के मोहिनिया पहाड़ में बनाए गए इस टनल का कार्य पूरा हो चुका है। दोनों तरफ की निगरानी के लिए कंट्रोल रूम बनाने का कार्य आखिरी चरण में है। इसकी लंबाई 2 फुट 28 इंच किलोमीटर है और 1,004 करोड़ है। 6 लेन की इस टनल में 7 स्थानों पर आपस में जुड़ाव भी है, ताकि भविष्य में किसी कारणवश आवागमन बाधित न हो। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने भी इसे बेहतर प्रोजेक्ट बताते हुए फोटो शेयर की थी। स्थानीय शासन ने 10 नवंबर के आसपास की तारीख लोकार्पण के लिए प्रस्तावित की है। इसके कुछ दिन ही शेष हैं, लिहाजा लोकार्पण तिथि बढ़ सकती है। वजह गुजरात और हिमाचल प्रदेश के चुनावी दौरे के बीच ही कोई तारीख तय होगी। इतने सुंदर सुंदर गहने लाए, दुल्हन के रूप में 4 चांद लगाए। के रिश्ते को और गहरा बनाए, समदड़िया आभूषण का जादू है छाए। समदड़िया आभूषण, समदड़िया